वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली गाइस ट्राई स्ट्रीट फूड। आज हम अयोध्या की गलियां घूमेंगे और जानेंगे यहाँ का बेस्ट स्ट्रीट फूड कौन सा है। आओ चलते हैं। हा, गर्मा गर्म पराठा। क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? मैं देख रही हूँ यार। एकदम घर की सब्जी, एकदम घर की सब्जी। देखो आप सरयू घाट आए हो और आपने चाय ना पी यहाँ पर इस टाइम पे आके तो कोई बात ही नहीं। गाइस हमें हनुमानगढ़ी मौर्य मिष्ठान भंडार पे एंड यहाँ का सबसे फेमस है दही जलेबी और दिन की शुरुआत आज हम कर रहे हैं दही जलेबी के साथ। बट यार ये दही जलेबी का कॉम्बिनेशन मेरे समझ नहीं आया एंड दही जलेबी के साथ इसमें रबड़ी भी है। तो बेसिकली दो तरह का देते हैं, खाली दही जलेबी भी और दही जलेबी रबड़ी। तो हमने सोचा कि यार हम तो रबड़ी वाला खाएंगे। देखो आप अयोध्या आओ, आप अगर किससे पूछो दही जलेबी का है आपको सीधा मौर्य मिष्ठान भंडार भेजेंगे। एंड ये इतनी फेमस शॉप है ना कि यहाँ पर सारे पॉलिटिशियन शुरू से खाते आ रहे हैं अपनी यंग एजेस से। पहले हम सिर्फ दही खाएंगे। पता है दही ना थोड़ी खट्टी है, दही में हल्की सी खटास है बट मलाई बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है वो जान के रखी गई है ताकि वो बैलेंस हो जाए फ्लेवर्स, क्योंकि ये मीठा बहुत होता है ना रबड़ी में और जलेबी में। वाओ जिसने भी ये फ्यूजन बनाया होगा ना उसे खाने का बहुत शौक होगा। और ये दुकान ना बहुत पुरानी है, मतलब फोर्थ जेनरेशन यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है एंड आगे भी आई एम श्योर जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है और जिस हिसाब से इनकी आइटम है दैट इज समथिंग वेरी यूनिक। पता है मैं जितना भी आपको समझा लूं ये टेस्ट आपको नहीं समझा सकता मैं, बट उसके लिए अयोध्या आना ही पड़ेगा। एंड पता है अगर सबसे क्लोज में आपको बताऊं ना कैसा है, तो इट्स लाइक लस्सी पी है ना आपने मीठी लस्सी, ये बस मीठी लस्सी की तरह है बट कंसिस्टेंसी वो नहीं है, करारी करारी अंदर जलेबी और मीठा में उसकी चाशनी इसको बिल्कुल लस्सी बना रही है। एग्जैक्टली, बट इसमें वो जलेबी का क्रंच आ रहा है और मजा आ रहा है। एंड मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये और कहीं क्यों नहीं मिलता। खोल ले हम एक दिल्ली में, क्या गिरीशोर में मिलके एक दही जलेबी का स्टॉल खोल ले दिल्ली में, नीचे कमेंट करके बताओ। और आप सबको आना ही पड़ेगा उसके लिए, जैसे आप टीयूजी को सपोर्ट करते हो फिर हम दोनों के बिजनेस को भी करना सपोर्ट है ना। चलो अब अगली जगह पे बढ़ते हैं। जय श्री राम भैया। भैया दो प्लेट कचौरी लगा दो एकदम बढ़िया सी बना के। गाइस हम आ चुके हैं कनक भवन के बिल्कुल बाहर और यहाँ पे मिलती है अयोध्या की फेमस कचौड़ी। और ये वो कचौड़ी नहीं है जो आलू की सब्जी के साथ मिलती है, ये है मटर की सब्जी के साथ मिलने वाली कचौड़ी, एकदम खट्टी मीठी स्टाइल। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीजें डाली है, मटर है, कचौड़ी है, मूली है, उसके पत्ते हैं, हरी मिर्ची है और दो तरह की चटनी है, एक इमली की और एक लाल वाली मीठी चटनी, चाट की तरह बन गई खट्टी मीठी, एक बार खा के देखते हैं। मैंने एक्चुअली सोचा था कचौड़ी खाने जा रहे हैं तो शायद यू नो भरमी कचौड़ी जैसे होती है गोल वाली, हमारे दिमाग में वो आती है, बट ये ना सी ऐसे हम हमारे में इसको मट्टी बोलते हैं, मट्टी की तरह है बट खस्ता, खस्ता। हाँ, सब्जी के साथ है और बहुत सारी चीजें हैं तो बहुत अच्छी लग रही है। एंड मटर बिल्कुल बॉइल्ड है, थोड़े से हल्के से नमकीन मटर है, इनमें जो फ्लेवर डाला था वो चटनी और मसालों से डाला था जो ऊपर से डलता है, बहुत स्वाद है, एकदम सीधी सादी सी कचौड़ी है और सुबह के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि ये दुकान, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें ऐसी सेम और वहाँ पे यही कचौड़ी मिलेगी आपको, तो कनक भवन के पास कहीं पे भी आप खा सकते हो, सब बढ़िया है। इसमें हरी मिर्ची जरूर डलवाइएगा और ये तो जिस हिसाब से जैसे मसालों से भरी हुई नहीं है, तड़का तेल इतना नहीं डला हुआ इसके अंदर, सुबह शाम दोपहर सब खा सकते हो। मैं दो प्लेट खा लूंगा, हेल्दी स्टाइल ऑफ कचौड़ी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे मिर्ची आई है अभी एक और अच्छी बहुत लगी, लेकिन मजा आ गया सुबह सुबह थी ठंड में ऐसे गरम गरम कचौरी खाने का, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की कचौरी। और ये मूली के साथ धनिया नहीं है, मूली का अपना पत्ता है। हाँ। बड़े कम लोगों को देखा मैंने यूज करते, हमारे घर में तो होता है ये मूली का पत्ता, बहुत यूज होता है। हाँ। ना कनक भवन तो आओगे क्योंकि कनक भवन की भी अपनी हिस्ट्री है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आना और ये ट्राई जरूर करना। गाइस हमें कनक भवन में अम्मा जी की रसोई पर, और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ मिलती है वेज थाली जिसमें है अनलिमिटेड खाना और वो है सिर्फ 90 रुपीज। एंड ये लंच टाइम हो रहा है एंड कोशिश करिएगा लंच टाइम पे आना क्योंकि खाना अनलिमिटेड है, जितना खाना खाइए। और हम दोनों को अभी एक पूरी थाली खत्म करनी है तो हम एक ही मंगाएंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं लग रहा घर में एकदम बैठे है और
घर का खाना लग रहा है बिल्कुल, मम्मी ने लाके थाली दिया और इतनी सारी सब्जियां घर में बनी हुई है। देखो मैं सबसे पहले आलू सोयाबीन की सब्जी खाऊंगा, मेरी फेवरेट है। मैं तो चावल दाल खाऊंगी सबसे पहले। रोटी में देसी घी लगाया हुआ एकदम बढ़िया, एकदम घर की सब्जी, एकदम घर की सब्जी है ना। दाल टेस्ट करती हूं मैं, पर तू दाल खा के देख यार। परफेक्ट दाल राइस जो खाने होते हैं ना उसके लिए ये कड़ी काफी डिफरेंट है। मेरे घर में ऐसी कड़ी बनती है पता है। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे ना जो बेसन के पकौड़े वाली कड़ी होती है ना वो थोड़ी कम खाते हैं, तो मेरी मम्मा जो कड़ी बनाती है वो मटर गोभी गाजर प्याज टमाटर डाल के बनाती है, तो ये मुझे बिल्कुल वैसी ही लग रही है। हमारे घर में बिल्कुल डिफरेंट खाना बनता है, मतलब पंजाबी स्टाइल में, तो ये टेस्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी सिमिलर है। पूरा फ्लेवर है, हनी रायता नहीं है, मट्ठा है ये, ठीक है छास। This is something I'm trying for the first time. मेरे को तो बहुत पसंद है मट्ठा। यार मुझे तो ये दाल चावल इतने अच्छे लगे हैं यार। बहुत स्वाद खाना है फ्रेंड, ये होता खाना इसी नगरी में, ऐसा खाना मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कहीं आप गए हो और घर से दूर हो, अगर आपको ऐसा खाना मिल गया ना तो आपका ट्रैवल सुखी हो जाएगा। और ये वाला खाना जो आपको बोलते हैं ना बाहर का खाना मत खाया करो, ये वाला बोलेंगे बाहर का खाना खाया करो। ये थाली खत्म करने में हमें टाइम लगेगा, तो हम ये खत्म करेंगे और अगली जगह बढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब भी आओ अयोध्या ये थाली जरूर खाना, शुड नॉट मिस इट। एंड इन फैक्ट पूरी फैमिली के साथ आओ यहाँ पे और बड़े आराम, मम्मी पापा को स्पेशली खाना बहुत पसंद आएगा, घर वालों को होता है ना बाहर जाके आपकी आत्मा को अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। ये क्या है भैया? ये कंदमूल फल है। कंदमूल फल, इसको कंदमूल क्यों बोलते हैं? इसका ये राम जब वन को गए थे इसको खाया था 14 साल तक। अच्छा जी, ये 10 रुपया का एक पीस मिलता है, खाने में मीठा होता है, खाइए देखिए। ये चित्रकूट में मिलता है, राम जी जब वनवास पे गए थे वहाँ उन्होंने ये खाया था 14 साल तक, यही उन्होंने खाया था। बहुत मीठा है ये, मीठा और इतना मुझे खाते पे फाइबर से भरा हुआ है ये। अगर आपने नाशपाती खाई है तो नाशपाती जैसा टेक्सचर है इसका काफी, ये अगर गोल हो तो नाशपाती होती है। हाँ, आई एम हैप्पी हमें ये करने को मिल गया अयोध्या में यार। और अब यहाँ की ये नहीं खाया गया क्या खाएंगे, है ना? अयोध्या आओ तो कंदमूल फल तो जरूर खाना, श्री राम जी ने भी खाया था ये, और आपको खा के ऐसा फील भी होगा कि चलो ऐसा कुछ अच्छा काम तो हम कर ही रहे हैं और हमने तो खा लिया। डेफिनेटली ट्राई करना, कनक भवन के पास है तो आपको यहाँ पे भैया मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली खाना। और ये 2 पीस 10-10 रुपए के थे। तो गाइस हमें कनक भवन में ही एंड यहाँ हम आए हैं मधुरम जी के यहाँ, जहाँ पर हम खा रहे हैं डोसा। तो गाइस यहाँ पे डोसा मिलता है, इडली मिलता है एंड इनकी मेन स्पेशलिटी जो है दैट इज अनियन और गार्लिक के बिना है। बेसिकली अगर जैन खाना बोल सकते हो आप इसको, कोई प्याज नहीं है कोई लहसुन, सादगी वाला खाना। क्या हो रहा है, क्या हो क्या रहा है? मैं देख रही हूँ यार, यूजली डोसा हम सोचते हैं ना कि बीच में अनियन मसाला डोसा होता है जैसे, या नॉर्मल मसाला डोसा होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक मसाला डोसा है जिसमें आलू है और मटर है और सूखी लाल मिर्ची है, नारियल की चटनी और सिंपल सा सांबर। सांबर एक बार टेस्ट करके देखते हैं। खटास बहुत है, बढ़िया सांबर जैसा मेरे को पसंद है। अब डोसा भी खाया जाए जो हमने मेन मंगाया है। डोसा इतना पतला है ना, बड़ी बाइट भी ऐसे छोटी सी बन जाती है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दिस इज विदाउट अनियन एंड गार्लिक, है ना? सादा डोसा है, बहुत स्वाद डोसा है। बेस्ट पार्ट ना यहाँ का ये, कनक भवन के आसपास ही आपको इतनी सारी खाने की चीजें मिल जाएंगी कि पहले मस्त आप माथा टेक के आओ और फिर खाती रहो। अयोध्या में मैंने ये चीज देखी है, हर 2 दुकान छोड़ के कुछ खाने का। हाँ, और ऐसा घर जैसा खाना मिलता है यार हर जगह है, खाना इतना स्वाद है। अगर आप घर पे बैठे हो हमें फील कर पा रहे हो, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। बट अभी हमें ये पहले खत्म करना है, मेरे को ना एक्चुअली मन भी था कि ये भी खाई जाए, बट मुझे ये इसी डोसे से मेरा पेट भरा है। दिस इज लाइक अ प्रॉपर मील फॉर 1 पर्सन। एब्सोल्युटली, अभी खत्म करते हैं इसको, आपको मिलते हैं अगली जगह पर। गाइस शाम हो चुकी है और हम आ गए हैं सरयू घाट पे, यहाँ की बहुत बहुत जानी मानी जगह है ये। देखो शाम हो गई है, ठंड भी बहुत बढ़ गई है, इस जानी मानी जगह पे मिलती है इसकी जानी मानी चाय। अब हम वो जाके पियेंगे और अपनी ठंडक को गर्मी में बदलेंगे।
देखो आप सरयू घाट आए हो और आपने चाय ना पी यहाँ पर इस टाइम पे आके तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो ये चाय है इट्स अमेजिंग अमेजिंग मजा आ गया। अदरक वाली इट्स प्रोफेशनल। अंतिल भाई यहाँ होते हैं बहुत पसंद आता है ये अदरक कूट कूट के भरा हुआ है और यहाँ पर आपको हर कोने में मिल जाएगी चाय। सरयू घाट पे आके चाय पीना अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। प्लस यहाँ पर इतना बढ़िया व्यू है और गिरीशा के साथ इतनी बढ़िया कंपनी है, आप अगली बार आओगे तो मुझे भी ले चलना साथ में, तो फिर आपकी भी चाय का टाइम बहुत बढ़िया हो जाएगा। हा 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 गर्मा गर्म पराठा। तो गाइस ये है उल्टा पराठा, वेज पराठा जो कि उल्टे तवे पे बना है। एंड ये है चटनी, मतलब चटनी नहीं चटनी, ये है ये ग्रेवी है। अब मैं खा के बताऊंगा किस चीज की ग्रेवी है। रोल भी बना के दे रहे थे, ऐसे भी प्लेट में देते हैं और ये दोनों रोल के अंदर डाल के और चटनी वटनी डाल के सब बना के देते हैं, बट हमने ये लिया है। अरे यार ये कितना डिफरेंट टेस्ट कर रहा है, ये फलाफल जैसा ही है, काफी सही है। ये तो बहुत टेस्टी है। कब से हमारा मन करी जा रहा था देख के कि यार ये तो ट्राई करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ऐसे फटाफट फटाफट रोल बनते जा रहे हैं। ये ग्रेवी बहुत स्पाइसी है, इसमें बड़ी सारी चीजें डल दी गिरीशा। ये बेसिकली जैसे आपके वो होते हैं फलाफल, फलाफल बोल सकते हो, ये चने की दाल, मसूर की दाल और कच्चे केले से बना है। गलौटी कबाब टाइप से है बट उसका वेज वर्जन है एंड अमेजिंग है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और जो उसके अंदर मिक्सचर डाला हुआ है ना दाल का, मसूर की दाल, कच्चे केले का, वो अलग ही फ्लेवर दे रही है। बड़े बहुत टेस्टी यार, मजा आ गया खा के। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये इतना टेस्टी हो सकता है। 4 किलो वजन तो बढ़ ही जाएगा हमारा, इतना खा सकते हैं हम ये। और एक्चुअली हम सुबह से खा ही रहे हैं ना आज, तो हमें ये लग रहा है कि देख लो अभी तक भूख हमारी वहीं पे है, खाना इतना टेस्टी है। अयोध्या बार बार थोड़ी आया जाता है यार, मैं तो अब आऊंगा, मैंने खाना खा लिया मैं आऊंगा। एंड आपको दिख रहा होगा हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इतना स्वाद है, मेरा इतना मन कर रहा है आज आप भी खा सकते हैं। अगले स्ट्रीट फूड है भी हमारा, कि आज हमारा दिन यही खत्म हो रहा है, मैं ये पूरा खत्म करूंगा फिर ही जाऊंगा। सो गाइस ये था हमारा अयोध्या का स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड। एंड अगर आपको लगता है हमने इसमें से कुछ मिस किया कमेंट करके बताना, जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आप ही के साथ आएंगे राम मंदिर के दर्शन करने और वो वाला स्ट्रीट फूड भी ट्राई करेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल द अर्बन गाइड। जय श्री राम।